सवाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे काइन मास्टर में एक प्रोफेशनल लेवल का वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग का भी नहीं पता है, सो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप जो है 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ पर जो है वीडियो एडिटिंग करना सीख जाएंगे काइन मास्टर में। और दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, सो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको जो है इस वीडियो को देखने के बाद और कोई भी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी काइन मास्टर में जो है वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो है स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस जो आपको बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक का जो है आपको इसमें बताया हूँ। सो आप जो है इसमें जितना ज्यादा आप जो है बिना स्किप के वीडियो को देखेंगे, आपको उतना ज्यादा लर्निंग होगा, आप उतना ज्यादा सीखेंगे। सो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाली है, आप जो है फिल्मोरा में कैसे जो है प्रोफेशनल लेवल का वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, जो एक डेस्कटॉप का जो है सॉफ्टवेयर होता है फिल्मोरा, आप उसमें जो है कैसे प्रोफेशनल लेवल का वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाली है। सो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप काइन मास्टर खोलते हैं, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और सबसे पहले मैं इसमें कुछ एडिटिंग सिखाऊं, सबसे पहले आपको कुछ इसमें सेटिंग्स कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग में क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा प्रीमियम यूजर के ऊपर जो है सेटिंग, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है नीचे एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में, और यहाँ पर आपको इसको जाना है नीचे। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, आप इन दोनों को जो है इस तरीके से ऑन कर देना है। इन दोनों ऑप्शन को आपको ऑन रखना है, इस तरह से ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर देना है। इसके बाद आपको बाहर जाना है। अब चलिए वीडियो एडिटिंग सीखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले वीडियो करने के पहले आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करना होगा। कोई भी वीडियो एडिट करने से पहले आपको वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको साइज मिल जाएगा कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाते हैं, किस साइज का वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सारा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से अगर आप फोटो को डिस्प्ले फिट करना चाहते हैं फुल फी रैंडम, आप यहाँ से सारा सेटिंग कर सकते हैं। या कोई अगर काइन मास्टर का प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ से इसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको नया प्रोजेक्ट बना के यानी कि नई वीडियो एडिटिंग करके सिखाता हूँ, उसमें कैसे कैसे सारा टूल बताऊँगा। सो यहाँ पर मैंने ये रेशियो सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर आपके मीडिया ब्राउजर में लेकर चला जाएगा, और यहाँ से आपको जो भी वीडियो एडिट करना होगा उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं इस वीडियो को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है इस वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ऊपर कट कर देना, तो ये वीडियो आपका जो है सेलेक्ट इस तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले हम मीडिया के बारे में बताते हैं। ऊपर जो मीडिया आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम बताते हैं। तो यानी उस पर अगर मीडिया पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी वहाँ से जो है अपना फाइल इंपोर्ट करवा सकते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए कि मैं एक और आपको वीडियो एग्जांपल के यहाँ पर लेकर दिखा देता हूँ मीडिया से, और यहाँ पर भी एक मीडिया मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर अगर इफेक्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी एक मीडिया का ऑप्शन मिलता है, और ये दोनों मीडिया में क्या अंतर है मैं आपको अभी बताता हूँ। सो अगर आप यहाँ से अगर कोई मीडिया लेते हैं तो यहाँ जो ये लेयर बन जाता है, आप देखिए यहाँ पर ये नीचे आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने ये लोगो अपना लिया था चैनल का, उसका जो है मैंने मीडिया में उस लेयर में जाके मीडिया मिल जाता तो ये लेयर के रूप में है। और उस मीडिया से अगर आप लेते हैं तो वो जो है आपको एक अलग तरह से मिलेगा। जैसे कि इस मीडिया पर क्लिक करते हैं और यहाँ से मान लीजिए कि मैं अपना एक ये वीडियो लेता हूँ, तो ये देखिए ऊपर का लेयर जो बन जाता है, तो यानी कि ये जो हमारा मेन लेयर है उसमें ऐड हो जाता है। अगर उस फर्स्ट वाले मीडिया से लेते हैं तो इसमें ये लेयर बन जाता है, और सेकेंड वाले मीडिया से लेंगे तो यहाँ पर आपको लेयर के रूप में मिल जाता है। सो आपको जो है वीडियो लेने का जो है ऑप्शन मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप जो वीडियो इंपोर्ट करवा सकते हैं, दो तरीके से वीडियो इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो है एक्स्ट्रा पार्ट वीडियो से काटना हो तो आप कैसे काट सकते हैं। सो मान लीजिए कि मेरा वीडियो यहाँ से स्टार्ट है, सो मैं चाहता हूँ कि मैं इधर का पार्ट काटूँ जो अभी देखा आपने। तो काटने के लिए यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा, और ऊपर आपको देखिए कैंची का ऑप्शन दिखा जाएगा यानी कि कट का, ट्रिम का। तो आप जिधर का काटना चाहते हैं उधर आपको निशान बनाए उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने से कट के निकल जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं इधर आया और यहाँ से मुझे इधर का काटना है, सो मैं सिंपली इधर का क्लिक करूँगा उसी तरीके से तो मुझे भी कट गया। सो आप इस तरह से वीडियो को कहीं से भी कट कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको वीडियो बीच से कट करना है कहीं से, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से फिर मैं यहाँ से और यहाँ से मैं पहले सेलेक्ट कर लूँगा ट्रिम में जाके, और यहाँ पर मैं स्प्लिट एज ए प्लेयर है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके इधर डिलीट का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। किसी भी मतलब कि किसी वीडियो का बीच में का पार्ट आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि यार यहाँ पर अगर आप इधर देखिएगा आपको रीस्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा, इधर आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे ये सारा आपका रीस्टोर हो जाएगा। आपने जो भी काम किया होगा तो आपका पूरा जो है रीस्टोर हो जाएगा। जैसे आप कोई डिलीट कर देते हैं गलती से तो आप उसे रीस्टोर करके फिर से कर सकते हैं। सो ये था ये ऑप्शन। इसके बाद अब देखते हैं इफेक्ट के बारे में। यहाँ पर आपको देखिए दूसरा नंबर पर मिल जाएगा इफेक्ट।
सो आप इफेक्ट पर क्लिक करेंगे तो जैसे आपको बहुत सारा इफेक्ट मिल जाएगा यहाँ पर। आप यहाँ से जैसे मैं देखिए इफेक्ट को चूज कर लिया एंड यहाँ से इसको मैं साइज में इंक्रीज कर दिया और यहाँ से राइट पर्सन करेंगे। इफेक्ट होता क्या है तो यहाँ पर जैसे इफेक्ट लगाया आपने और देखिए ये वीडियो मेरा इस तरीके से होता है। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो में इफेक्ट देखा होगा। सो आप इस तरीके से जो वीडियो में इफेक्ट बहुत सारे इफेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। और यहाँ से अगर आप एनिमेशन भी लगाना चाहते हो तो एनिमेशन भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इफेक्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट नहीं मिलता है, केवल ये बेसिक जहाँ इफेक्ट है आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको और इफेक्ट के लिए देखिए जैसे कि मैं इस इफेक्ट को लाकर दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको। सो आपको इसी तरीके से इस इफेक्ट को पहले यहाँ पर इफेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पर सही पर राइट यानी कि ऊपर जो है राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इसको एडजस्ट कर लेना है अपने अनुसार। इसके बाद यहाँ से फिर आपको यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। सो आप इस तरीके से अलग अलग तरह का इफेक्ट लगा सकते हैं अपनी वीडियो में। और बताते हैं कि अगर आपको और भी ज़्यादा अपने तरीके से जो है आपको चाहिए इफेक्ट तो आप जो है यहाँ पर देखिए जैसे मैं और लगा लेता हूँ और यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अनुसार जैसे मन आप चाहें जिस तरीके से आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं। जैसे कि आपको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ लाइव कैसे कैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आपको इफेक्ट चूज कर लेना है और उसको आपको अपने अनुसार जो है कस्टमाइज कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे। और यहाँ से अगर साइज बढ़ाना है तो यहीं आपको इसके चारों कोनों पर जो है साइज मिल जाता है, कैसे आपको साइज बढ़ाना है कैसे रोटेट करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली साइज बढ़ा सकता हूँ इसको इस तरीके से लेकर के। और यहाँ से अब बात करते हैं ऊपर तीन आपको जो है आपको बॉक्स दिखाई देंगे गोला। सो आप ये तीनों इफेक्ट हैं, एक है इन आउट एनिमेशन और एक है पूरा वीडियो में एनिमेशन जो चलता है वो है और एक है आउटर एनिमेशन। तो देखा अब देखिए इन एनिमेशन में जैसा लगाता हूँ यहाँ पर अलग अलग तरह के आप एनिमेशन देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एनिमेशन भी अपने वीडियो में लगा सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव और अपने तरीके से बहुत ही ज़्यादा इसमें बढ़िया बढ़िया आपको जो है आपको मिल जाता है इफेक्ट। सो यहाँ पर आप बात करते हैं इफेक्ट के बारे में। और यहाँ से आप देखिए जैसे मैं इसको इफेक्ट को डिलीट कर दिया एंड इसके बाद बात करते हैं अब यहाँ पर इफेक्ट के बारे में। तो और भी इफेक्ट आपको जो चाहिए तो देखिए ऊपर आपको ये जो ऑनलाइन दिखाई देगा आप वहाँ पर क्लिक करके और भी इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं काइनमास्टर के स्टोर से। आपको बेसिक इफेक्ट एक मिलता है इसमें और मैंने ये सब डाउनलोड करा था इसी तरीके से। उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सिंपल अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा तो वो आपको खुल जाएगा और वहाँ से आप जो है डाउनलोड इसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपने इसके बाद अब हम समझते हैं यार स्टिकर के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली यार यहाँ पर मैंने दो स्टिकर डाउनलोड किया है। आप बहुत सारे स्टिकर यहाँ ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अभी फिलहाल देख रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ऐसा कुल जिसमें इसमें गाना चलता है और ये जो है एक 3D टाइप का जो है स्टिकर है जो आप लगा लेते हैं तो वीडियो जो है अट्रैक्टिव दिखता है। तो इसके ये जो ज़्यादा होता है आजकल जो है स्टेटस में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा फेसबुक या व्हाट्सअप। यार यहाँ पर एनिमेशन भी आप इसमें लगा सकते हैं अलग अलग तरह के बहुत सारे एनिमेशन। और इसमें अगर काइन मास्टर आप जैसे जैसे चलाएंगे आप इसमें जो है प्रोफेशनल होते जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा मतलब कि मास्टर का नहीं है, मैं आपको सारे टूल्स के बारे में समझा देता हूँ बस। तो आप टूल्स जान जाएंगे तो आप खुद ब खुद एडिटिंग कर लेंगे, एडिटिंग आपका आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं टेक्स्ट की। तो फिर आपको लेयर पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर, और जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर हेलो लिख लेता हूँ और हेलो लिखने के बाद यहाँ पर ओके कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर मेरा हेलो आ गया। और यहाँ से आप साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एंड ऊपर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उससे आप रोटेट कर सकते हैं जो है अपने टेक्स्ट को। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को जो है सीधा कर लेता हूँ और यहाँ से और भी इस टेक्स्ट को जो है एडिट करने का आपको जो है स्टाइल बताता हूँ कैसे कैसे आप जो है अपने टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ से एडजस्ट कर दिया। इसके बाद अगर स्टेट का अब जो है टेक्स्ट लगाए हैं उसका अगर आप फॉन्ट बनाना चाहते हैं तो आपको ए वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको बहुत सारा जो है आपको मिल जाता है और आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो मतलब कि देखिए वहाँ पर एक डाउनलोड जो है आपको ऑनलाइन स्टोर मिल जाता है काइनमास्टर का, वहाँ से आप बहुत सारे टेक्स्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने अनुसार। तो मान लीजिए मैं यह टेक्स्ट लगा दिया, इसके बाद मैं जो है इसे कहीं भी फिट कर सकता हूँ अपने अनुसार। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना हेलो टेक्स्ट इस तरीके से कर लिया और यहाँ से मैं आपको एक एनिमेशन लगा के भी दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एनिमेशन लगाता हूँ स्केल अप। तो यहाँ नीचे से आप जो है इसका जो है टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि कितने देर में जो है आपका जो है एनिमेशन समाप्त होना चाहिए। सो आप यहाँ से टाइम इसका ड्यूरेशन चेक भी लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी इसका जो आपने दिखा दिया आपको डेमो। और इसके बाद आप बात करते हैं कि अगर आप इस टेक्स्ट का आउटलाइन निकालना चाहते हैं, शैडो निकालना चाहते हैं, वो सारी चीज़ आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। तो जैसे ही मैंने टेक्स्ट पर क्लिक किया और यहाँ से नीचे आया तो देखिए यहाँ पर आउटलाइन, शैडो, ग्लो सारा चीज़ ऑप्शन आपको दिख जाता है। बैकग्राउंड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए आउटलाइन को यहाँ पर इनेबल किया, यहाँ पर देख सकते हैं आपको अच्छा अच्छा तरह के शैडो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और इसका जो है आप नीचे ओपेसिटी भी यहाँ से कर सकते हैं और इसका डिस्टेंस ये है, आप यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है आप चूज कर सकते हैं अपने अनुसार।
तो यार कहे तो या आप यहाँ से जो है अपने तरीके से वीडियो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर भी मिल जाता है इसका, अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर इनेबल करते हैं तो बैकग्राउंड कलर इनेबल होता है, और यहाँ से इसका ओपासिटी जो है आप जो है कम बेसी कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से कर दिया। एंड यहाँ से अगर आप इसमें जो है कस्टम अपना खुद का जो है लगाना चाहते हैं, कोई मतलब कि आप खुद एनिमेशन अपने लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ से टेक्स्ट वहाँ चल जाए, सो उसके लिए आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर एक चाबी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, की का, उस की के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद जो है आपका फर्स्ट पोजीशन जहाँ पर टेक्स्ट रहना चाहते हैं वहाँ पर रख दीजिए। इसके बाद लास्ट पोजीशन आप कहाँ पर चाहते हैं टेक्स्ट रहे आप वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मेरा फर्स्ट पोजीशन ये था और लास्ट पोजीशन मैं चाहता हूँ कि मेरा वहाँ जाए, तो मैंने वहाँ पर इस टेक्स्ट को कर लिया। एंड यहाँ से मैं करने के बाद यहाँ से जो है राइट पर क्लिक कर दूँगा। तो अब मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, तो दिखेगा कि मेरा वो कैसे टेक्स्ट वहाँ से उस तरीके से जाएगा। तो आपका देखते हैं टेस्ट, देखिए आपका किस तरीके से जो है आपका जाता है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मतलब कि और भी इसमें ज़्यादा अपना दिमाग ला सकते, जैसे कि यहाँ से टेस्ट मान लीजिए यहाँ से लेकर और इधर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या इधर से इधर करना चाहते हैं तो आप जो है अपने खुद के अनुसार जो है कस्टमाइजेशन या इसमें जो है एनिमेशन लगा सकते हैं उसकी की मदद से। तो मेरा बेसिकली ये पॉइंट था कि आप की लगाएंगे उसकी मदद से जो है आप अपने अनुसार जो है कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं, कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर काइन मास्टर जो है बिल्कुल और बिल्कुल आपको जो है फ्री में सब करने का देता है, एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का। सो यहाँ पर देखिए मेरा जो है अभी टेक्स्ट का जी यहाँ पर मैंने कुछ एनिमेशन इस तरीके से लगा दिए आपको अभी मैंने बताया। सो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, आप वीडियो को ज़्यादा ध्यान से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा यहाँ तक। इसके बाद अब बात करते हैं हैंड राइटिंग की। यहाँ पर हैंड राइटिंग में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे आपको पेंसिल भी मिल जाएगा, तीर भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको बॉक्सेस भी मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए सर्किल में कुछ आपको दिखाना हो वीडियो में, सो आप इस तरीके से आप अपना वीडियो को जो है अपने हाईलाइट कर सकते हैं सर्किल के माध्यम से, या आपको यहाँ से इसे इरेज करना है तो इरेज के ऑप्शन पर क्लिक करके और इसे आप इरेज भी कर सकते हैं। सो इसकी मदद से आप हैंड राइटिंग मदद से वीडियो में कुछ हाईलाइट कर सकते हैं या कुछ लिख सकते हैं। इसमें आपको तीर भी दिखाई देता है, तो जिसकी मदद से आप जो है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को आप जो है इसे आप दिखा सकते हैं। सो आप देखिए अलग अलग तरह के आपको तीन तरह के तीर भी मिल जाते हैं। एंड यहाँ से जो है आपको इस तरीके से कुछ आपको हाईलाइट करना हो या कुछ वीडियो में आपको नहीं दिखाना है तो आपको इस तरीके से उसको आप ब्लर भी कर सकते हैं इसकी मदद से। सो ये सब बिल्कुल जो है आपको हैंड राइटिंग की मदद से आप ये सब अपने वीडियो में अपने एडवांटेज को ऐड कर सकते हैं अपने वीडियो में, जो कि आप देखते हैं दूसरे के वीडियो में एडिटिंग कर रहे होते हैं कि कोई भी पॉइंट हाईलाइट कर देते हैं, कोई भी पॉइंट जो है ब्लर कर देते हैं, इसी तरह से आप कर सकते हैं। और ब्लर करने का एक और उपाय है, आप उसकी भी मदद से जो है ब्लर कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमें इसको डिलीट करना है, तो यहाँ से इसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, डिलीट कर देना, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से डिलीट कर देना। तो डिलीट करने बहुत आसान है, किसी को सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको सारा आपको बता दिया स्टेप, अगर कोई आपको नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नीचे दिख जाता है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने वीडियो में जो है अपने अनुसार जो है कोई भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आवाज़ यहाँ से। सो यहाँ पर आपको स्टार्ट कर देना है, और देखिए यहाँ पर मैंने वीडियो में अपने जो है एक्स्ट्रा आवाज़ ऐड कर लिया ऊपर से, आप जो भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं इसकी मदद से, रिकॉर्डिंग की मदद से। रिकॉर्डिंग ये आपको फीचर देता है, जो कोई भी आप जो है अपना आवाज़ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसका मतलब रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाएगा। अगर आप वीडियो में अपना म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑडियो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर बहुत सारे जो है म्यूजिक मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं म्यूजिक डाउनलोड करके लगाना तो काइन मास्टर के स्टोर से ऊपर आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके म्यूजिक लगा सकते हैं। मैंने यहाँ से इतना जो है डाउनलोड किया है, और यहाँ से आप बहुत सारे म्यूजिक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपको डाउनलोड करना है म्यूजिक, उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करके कोई भी म्यूजिक अपने साथ डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पर कॉपीराइट फ्री मिलता है। इसके बाद बीच में का जो है आपका इसमें आप कैमरा भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपना कैमरा रिकॉर्डर करके भी बोल सकते हैं। सो ये सब इसमें फीचर था। और यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए आपको नीचे एक और ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसकी मदद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि मैं एक और मीडिया का ऑप्शन लेकर लेयर में जाके मीडिया का ऑप्शन लेकर और मैं ग्रीन स्क्रीन लेता हूँ, और यहाँ से आपको ग्रीन स्क्रीन के बारे में समझाता हूँ। यहाँ पर आपको ग्रीन कोई भी ग्रीन स्क्रीन का वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे आप कोई फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपके ऊपर है। सो मैंने यहाँ पर एक वीडियो लगाना है अपने वीडियो में, सो मैंने ग्रीन स्क्रीन का एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से आपको क्रोमा की का एक ऑप्शन दिख जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा लेकिन आपको क्रोमा की ढूंढना है। सो देखिए यहाँ पर एक क्रोमा की मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से इनेबल कर देना है। सो आप जैसे इनेबल करेंगे देखिए आप जो ग्रीन स्क्रीन था वो अपने आप जो हट जाएगा, और यहाँ से इसकी साइज को छोटा बड़ा करके आप अपने अनुसार वीडियो में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में यहाँ पर ऐड कर लिया। अब यहाँ पर मैं ऐड करके और आपको दिखाता हूँ कि मेरा कैसे जो है आपको दिख रहा है। सो जैसे ही मैं प्ले करूँगा देखिए यहाँ पर आपका जो है ग्रीन स्क्रीन का वीडियो नीचे चल रहा है। सो आप इस तरीके से कोई भी ग्रीन स्क्रीन का वीडियो डाउनलोड करके और आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फिलहाल वो जो है ग्रीन स्क्रीन होना चाहिए।
सो आप ग्रीन स्क्रीन ही यूज कीजिएगा। और अगर आपको और भी वीडियो जाना है तो आप देखिए, जैसे कि मैंने आप सेलेक्ट किया और मान लीजिए कि मैं कोई ग्रीन स्क्रीन का फ़ोटो लेना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो काइन मास्टर का एक लगाना चाहता हूँ, अपनी वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। सो इसको लगा कर इस तरीके से फ़ोटो, एंड यहाँ से आपको एनिमेशन लगा देना है ताकि, तो अब यहाँ से आप कोई भी एनिमेशन अपने वीडियो में लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्कैलप जो है आपको दिखा देता हूँ एनिमेशन लगा के। तो मैंने ये एनिमेशन लगाया, तो देखिए इस तरीके से जो है हमारा इमेज हो जाएगा। तो आप अगर किसी वीडियो में अपना इमेज लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से जो है अपने वीडियो में इमेज भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पर मैं अब बताता हूँ आपको कि अगर एक आउट एनिमेशन होता है जिसकी मदद से अगर आपका जो इमेज लास्ट में जाता है वीडियो, तो वो किस तरीके से होगा। सो आप इस तरीके से स्केल डाउन करके अपने इमेज को जो है हटा भी सकते हैं। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है इमेज कुछ इस तरह प्रकार से आ रहा है। सो आप अगर अपने वीडियो में इस तरीके से इमेज लगाना चाहते हैं तो आप भी इस तरह से एनिमेटेड इमेज आप लगा सकते हैं अपनी वीडियो में। सो अब आगे मैं बताऊंगा कि आप कैसे जो है इसको कॉपी कर सकते हैं। सो आपको इसको सिलेक्ट करना है और कॉपी करने के लिए आपको ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा इधर कोने में, और यहाँ से आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पर जैसे ही आप डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे इसका सेम वह सारा एनिमेटेड सारा कुछ आपको यहाँ पर कॉपी मिल जाएगा। सो अगर आप किसी चीज़ का कॉपी करना चाहते हैं वीडियो में तो उसी तरीके से आप उस पर क्लिक करके और 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। एंड मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कि वो सेम इमेज उसी तरीके से जो मैंने एनिमेशन लगाया था वही एनिमेशन के साथ ये भी कॉपी हो चुका है। सो अगर आपको कोई कॉपी करना हो तो आप इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और इस 3 डॉट पर क्लिक किया एंड यहाँ से डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो सेम उसका हूबहू जो है कॉपी यहाँ पर हो जाएगा, वो एनिमेशन भी वही होगा जो आप लगाए होंगे पहले वाले में। सो इसको डिलीट करने के लिए ऐसे डिलीट कर देना इस तरीके से, डिलीट मैंने पहले बताया था आपको कि डिलीट कैसे करना है। सो आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इस वीडियो के जो है एंड और लास्ट में जाना है तो यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन दिखेगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप वीडियो के लास्ट में चले जाते हैं। और फिर इस पर क्लिक करेंगे, इस पर देर तक क्लिक करेंगे थोड़ा देर तक, तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देगा। आप जो है वीडियो के लास्ट, एंड और वीडियो के किसी पार्टिकुलर पॉइंट जहाँ कट किए होंगे वहाँ पर जाने के लिए इसका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप तीनों देख सकते हैं, जहाँ भी आपका वीडियो कट होगा आप वहाँ जाना चाहते हैं। सो आप यहाँ पर क्लिक करके और क्लिक करेंगे तो देखिए मूव टू एंड, एंड आपको इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से क्लिक करके आप उस वहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ये ऑप्शन देखते हैं, इस ऑप्शन के माध्यम से जो है आप अपने वीडियो को कहीं भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एडिट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। सो स्पेस के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके और अपना स्पेस ले सकते हैं और अपने हिसाब से इस वीडियो कहीं करके और अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है सेटिंग्स है वीडियो के। सो आप इस वीडियो को सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके ऑडियो में आपको कुछ करना होगा, मतलब कि इधर उधर या वीडियो करना होगा तो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है नीचे एडिटिंग में मिल जाएगा ऑप्शन, तो आप यहाँ से जो है फोटो का ड्यूरेशन, फिट स्क्रीन, फुल स्क्रीन, रैंडम, ये सब आप सेट कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सनली कोई करता नहीं है, सब वहीं से कर लिया जाता है। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए आपको ये एक ऑप्शन दिखाई देगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से 3 ऑप्शन मिलता है, कैप्चर एंड सेव। अगर कैप्चर एंड सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसका इमेज आपका जो है मोबाइल में सेव हो जाता है। इसके बाद दूसरे पर करेंगे तो कैप्चर एंड क्लिप, तो आप किसी भी पार्टिकुलर जो है आप उसको क्लिक करके और लेयर के रूप में इसको ले सकते हैं। यानी कि अगर ये जैसे मैंने जहाँ जिस भी पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे और कैप्चर एंड लेयर पर क्लिक करेंगे तो वो एक लेयर के रूप में आपके सामने आ जाएगा, जिसको आप जो है मतलब कि वीडियो में दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप उस इमेज को दिखा सकते हैं, जिससे कि आपका वीडियो भी नुकसान नहीं होगा और वहाँ पर वो लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जिस पॉइंट पर मैं ले रहा हूँ वहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैप्चर एंड एज ए लेयर, लेयर के नीचे, यानी कि आप जैसे कि दो तरह के आप मीडिया कर रहे थे उसी तरीके से आप इसको भी दो तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, लेयर के रूप में भी कर सकते हैं और एक ऊपर जो है मेन लेयर था उसमें भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप तीनों ऑप्शन को जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको तीनों ऑप्शन के बारे में अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और यहाँ से देखिए आपको नीचे ऑनलाइन भी यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है, जो भी आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपको एनिमेशन, म्यूजिक वगैरह कुछ भी डाउनलोड करना हो तो आप जो है इस ऑप्शन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जब आप वीडियो बना लेते हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। सो आपको ऊपर जो है कॉर्नर में दिखाई देगा तीर का ऑप्शन, बॉक्स के अंदर एक तीर का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक रेजोल्यूशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ से रेजोल्यूशन सेट कर लेना है। तो मैं FHD 180 कर लेता हूँ और यहाँ से जो है आप फ्रेम रेट कर सकते हैं, तो फ्रेम रेट आपको 30 रखना है और यहाँ से आप क्वालिटी कोई भी रख सकते हैं आपके। सो मैं
आपको क्वालिटी में 720 का रख लेता हूँ HD में। सो इसके बाद यहाँ पर आप जो है मैं 1880 कर लेता हूँ, शायद ये अच्छा होता है, आप कोई भी कर सकते हैं आपके अनुसार है, तो मैं 720 ही कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से आप बिटरेट इसका जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप मैं बिटरेट में कोई फ़र्क नहीं दिखता है, उसका जो है रिजोल्यूशन में अंतर हो जाता है। सो आपको ये करने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये वीडियो जो है आपका सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप जो है इस तरीके से कोई भी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और मैं इस पूरे वीडियो में जो भी बताया हूँ, आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा वीडियो के पार्ट में, कोई भी वीडियो पार्ट समझ नहीं आया होगा, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट के माध्यम से आपके रिप्लाई जरूर दूंगा। सो आपको कोई भी समझ नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट में जरूर कीजिएगा कमेंट। सो दोस्तों आप इस तरीके से जो है काइन मास्टर में एक प्रोफेशनल लेवल का वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे जैसे आप यहाँ पर काम करते हैं सीखेंगे, वहाँ पर आपको धीरे धीरे यहाँ पे जो है आपकी लर्निंग स्पीड बढ़ जाएगी। सो आप जो है इसमें ज्यादा जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और